हेलो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन की, समाकलन की। ये मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच है, कैलकुलस की एक नई ब्रांच है। कैलकुलस का आधी ब्रांच अवकलन है, डिफरेंशिएशन है, और दूसरी ब्रांच उस डिफरेंशिएशन का उल्टा समाकलन है, उसका उल्टा। देखिए, जैसे आप अब आप डिफरेंशिएशन आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, मान लिया आपने fx एक फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट किया और आपने कहा इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है f डैश x, इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है f डैश x, तो हम कहेंगे अगर मैं आपको ये फंक्शन दे दूं तो इसको डिफरेंस इस ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है उसको ज्ञात करो, तो आप उसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, तब आपको ये वाला फंक्शन मिलेगा। तो इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या करता है, वो डिफरेंशिएशन को उल्टा कर देता है। जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है अगर उसका मैं रिजल्ट दे दूं, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया है तो रिजल्ट आया है कॉज एक्स, तो मैं अगर कह दूं कॉज एक्स जो है ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, किसको डिफरेंशिएट किया था कॉज एक्स के लिए, तो आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रल का साइन ये होता है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा। तो यहां क्या बचेगा, केवल साइन एक्स, और यहां बचेगा इंटीग्रल ऑफ कॉज एक्स। जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसको क्या लिखते हैं हम, डीएक्स। इसका मतलब होता है इंटीग्रल का साइन, इस डीएक्स का मतलब होता है एक्स के सापेक्ष इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, कॉज एक्स को किया जा रहा है, उसका रिजल्ट साइन एक्स आता है। अब जरा एक चीज और समझिएगा, अगर यहां पर कोई कांस्टेंट लिखा होता, अगर यहां पर कोई कांस्टेंट भी लिखा होता साथ में, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, तो आप कहेंगे भाई इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का तो जीरो होता है, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ एक्स प्लस सी यहां लिखा जाएगा। यानी अगर यहां पर कोई कांस्टेंट जुड़ा होता तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो होता, तो कॉज एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो साइन एक्स प्लस सी लिखा होगा, ठीक है। इसलिए इंटीग्रल में हमेशा एक कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन समाकलन नियतांक। इसका दूसरा भी हम कारण बताएंगे इस कांस्टेंट को जोड़ने का, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स होता है, साइन एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन भी कॉज एक्स होता है, तो कॉज एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस सी होता है। इसलिए हर इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट जोड़ना जरूरी होता है। इंटीग्रेशन दो प्रकार के होते हैं, एक इनडेफिनेट इंटीग्रल, यहां पर दो प्रकार के इंटीग्रेशन बताए जाएंगे, एक इनडेफिनेट इंटीग्रल, एक इनडेफिनेट इंटीग्रल और एक डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है कि यहां पर कोई लिमिट नहीं होती, इंटीग्रल का मतलब सम होता है, और हम कहें भाई सम कहां से कहां तक आप कर रहे हैं, तो आपने कहा नहीं सम कर रहे हैं, पता नहीं कहां तक सम जाएगा, तो इनडेफिनेट होता है। ये एक्चुअली में आपको देता क्या है कि किसी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस सी का एफ डैश एक्स होता है, तो इसको इंटीग्रेट करने पर यह रिजल्ट देता है। यहां पर कुछ वैल्यू देता है, जब बताया जाएगा तब आपको बताया जाएगा, फिलहाल आप उसको छोड़िए। तो ये आपका इंटीग्रल होता है, ठीक। कुछ और इसके बारे में बात करते हैं पहले, तब आपको समझ में आएगा। अभी मैं डिफरेंशिएशन का उल्टा इसको बता रहा हूं। जरा देखिए, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, आप निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब वाई में डिफरेंस, एक्स में डिफरेंस, पहले दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, अंतर निकालते हैं ना, इसके बाद डिवाइड करते हैं। यानी पहले आप डिफरेंस निकालते हैं दो फंक्शन का, इसके बाद इन दोनों को डिवाइड करते हैं। क्योंकि आप कह रहे हो डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, तो इसका मतलब जो डिफरेंशिएशन में करते हैं उसका उल्टा हमको करना पड़ेगा। तो यहां हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, गुणा करेंगे, और इसके बाद यहां क्या करते थे डिफरेंस, फिर उसका सम करेंगे।
हम दो फंक्शन का मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जो रिजल्ट आता जाएगा उसको जोड़ते जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन। ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं होगा आपको, अभी मैं फिर बताता हूं इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं। हमने कहा डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन होते थे, y इज द फंक्शन ऑफ x, तो आप क्या करते थे x को डिफरेंस ax में डेल्टा x का डिफरेंस करते थे और y में डेल्टा y का डिफरेंस करते थे। फिर आप कहते थे कि डेल्टा y बाई डेल्टा x जो होता है वो होता है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, और जो चेंज बहुत स्मॉल होता था उसी को आप कहते थे dy बाई डी x। तो इसमें पहले आप दो फंक्शन का डिफरेंस निकालते हैं, y का डिफरेंस और x का डिफरेंस, इसके बाद आप दोनों को डिवाइड करते हैं। तो इंटीग्रल में क्या करेंगे कि दो फंक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद दोनों का सम करेंगे। कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जरा समझिएगा इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, आपको एक फोर्स लगाना है और एक बॉडी को डिस्प्लेस करना है, तो आप जानते हैं आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको कार्य करना पड़ेगा। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एक्स लिख दो फिलहाल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जरा समझिए, आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया किसी बॉडी पे, उस बॉडी पे लगातार 10 न्यूटन का फोर्स लगाते जा रहे हैं और बॉडी को 20 मीटर आपने डिस्प्लेस कर दिया। तो आपने कहा भाई 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, 20 मीटर उसको डिस्प्लेस किया है, तो 200 जूल का हमने वर्क किया है। चलिए, ये तो बात आपको आ गई। अब दूसरी बात हम करते हैं, आप एक स्प्रिंग ले लीजिएगा, मोटी सी स्प्रिंग ले लीजिएगा उठा करके, और उस स्प्रिंग को आपको 10 मीटर डिस्प्लेस करना है। 10 मीटर एक स्प्रिंग ले लीजिएगा इस प्रकार से, और उसको यहां से लेकर के यहां तक 10 मीटर डिस्प्लेस करना है। अब जरा प्रैक्टिकली इस स्प्रिंग का एक्शन समझिएगा, अगर आप स्प्रिंग को दबाते हैं तो स्प्रिंग क्या करेगी, स्प्रिंग उस फोर्स को अपोज करेगी, आपको उल्टा फोर्स लगाएगी। तो आप पहले एक मीटर तो आसानी से दबा लेंगे, लेकिन अगला एक मीटर दबाने के लिए आपको फोर्स और बढ़ाना पड़ेगा, अगला एक मीटर दबाने के लिए फोर्स और लगाना पड़ेगा। तो आप क्या कर रहे हैं कि आपको 10 मीटर तक स्प्रिंग को दबाने के लिए क्या लगातार आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, नहीं। आप कहेंगे भाई शुरुआत में स्प्रिंग तो आसानी से दब जाती है, लेकिन आगे जैसे जैसे उसको हम स्प्रिंग को दबाते जाते हैं हमको फोर्स को लगातार बढ़ाते रहना पड़ता है। अब प्रॉब्लम यह है कि यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट तो 10 मीटर है, लेकिन फोर्स 10 न्यूटन नहीं है, 10 है फिर 11 है भी 12 है भी 13 है या 13.5 जो भी है। तो अब ऐसे केसेस में हम वर्क कैसे निकालें, हम फोर्स को क्या रखें, 10 रखें, 20 रखें, 11 रखें, 12 रखें, क्या रखें? तो वहां पर इंटीग्रल का इस्तेमाल होता है। जरा समझिएगा, अभी मैं कह रहा था कि दो चीज का मल्टीप्लाई होकर ऐड करना है। अब मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ खींचता हूं, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है डी और ये आपका फोर्स है एफ, ठीक है। आप जब फोर्स लगाना शुरू करे थे स्प्रिंग को तो कम फोर्स लगाया था और लगातार आपको फोर्स बढ़ाते रहना पड़ रहा है यहां से लेकर के यहां तक। वेरिएबल भी हो सकता है, हम मानते हैं इसको आपको फोर्स को कम ज्यादा करना पड़ रहा है मान लेते हैं, लेकिन हो ये रहा है कि स्प्रिंग तो डिस्प्लेस हुई 10, यहां से लेकर के यहां तक डिस्प्लेस हुई है, लेकिन फोर्स आपका लगातार चेंज हो रहा है। अगर मैं इस ग्राफ को समझूं तो ये वैल्यू फोर्स की कुछ और होगी, ये कुछ और होगी, ये कुछ और होगी, ये कुछ और होगी, ये कुछ और होगी। तो यहां पर सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके वर्क नहीं निकाला जा सकता। तो उसके लिए हम क्या करें, जरा सावधान, अगर हम बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लें, बहुत स्मॉल, ये डिस्प्लेसमेंट मैंने इसको एक्स माना था, इसको ले लें डीएक्स, अगर हम बहुत स्मॉल लेते हैं तो ये जो लाइन आपकी टेढ़ी है ना, ऐसे जो गई है ना, वो बिल्कुल सीधी नजर आएगी आपको, बहुत स्मॉल, इतनी स्मॉल कि उसकी वैल्यू लगभग नगण्य है, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखें इस फिगर को तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एक रेक्टेंगल बन गया ना, आयत बन गया ना, तो इसका एरिया क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लंबाई इंटू चौड़ाई, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क भी होता है, और ये आपका क्या मिल गया,
एरिया मिल गया। इसके बाद आप एक और छोटा सा ब्रांच ले लीजिए, इसको निकाल लीजिए, फिर एक और ब्रांच ले लीजिए, इसको निकाल लीजिए, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, और इन सभी एरिया को प्लस कर दो। प्लस बोले तो सिग्मा, सिग्मा ही तो होता प्लस, और यहां पर जो सिग्मा है उसका साइन हम लगाते हैं इस प्रकार से, इंट्रीगेशन। एस आकार का बना हुआ है, एस टाइप का बनता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं समेशन, और इस साइन को कहा जाता है साइन ऑफ इंट्रीगेशन। ये क्या है? ये है आपका साइन ऑफ इंट्रीगेशन, इंटीग्रेशन का ये साइन है। ठीक है, ये फंक्शन है जिसके जिसका इंट्रीगेशन करना है, और ये आपका है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा वो आपका इंटीग्रल वैल्यू होगी, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगी? इंटीग्रल वैल्यू होगी। इसको फंक्शन भी कहते हैं, इसको इंटीग्रेंट भी कहते हैं, इंटीग्रेंट भी कहते हैं जिसको इंटीग्रेट कर रहे हो। ये आपका रिजल्ट आएगा इंटीग्रल वैल्यू, या कहीं कहीं पर इसको एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, कहीं कहीं पे क्या कहते ही हैं, वो तो उसका उल्टा होता ही है, कहीं कहीं पर इसको प्रिमिटिव कहते हैं, प्रिमिटिव कहते हैं। तो ये आपका इंटीग्रल का मतलब, देखिए दो चीज का मल्टीप्लाई किया ना हमने, हमने क्या कहा था? मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में हम सम कर देंगे, तो ये इंटीग्रल का मतलब होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का उल्टा। ठीक है, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मैं यहां पर प्लस सी क्यों करता हूं, हमने कहा इंटीग्रल करो एफ डी एक्स का, आपने कहा इसकी वैल्यू आ गई कैपिटल एफ, मान लेते हैं कैपिटल एफ आ गई। ठीक है, हमने कहा भाई सम किया है, कहां से कहां तक किया है, जोड़ा है आपने, आपने कहा इनडेफिनिट है, यानी ये यहां पर लिमिट क्लियर नहीं है कहां से कहां तक किया है, तो उसके लिए हम यहां पर एक कांस्टेंट प्लस कर देते हैं। दो तरीके से समझिएगा इसको, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने पर ये रिजल्ट आता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अभी हमने कहा कि सपोज करिएगा कि अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस सी करता हूं, तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन और सी का जीरो, तो वन का इंटीग्रल करूंगा तो वन एक्स प्लस सी लिखा जाएगा। तो एक को कारण यह होता है सी हम क्यों ऐड करते हैं, दूसरा कारण यह है कि आप जब इसका रिजल्ट निकालते हो, सम करते हो, योग करते हो, तो आप आपसे हमने कहा इसका योग करिए, तो आप कहेंगे भाई कहां से कहां तक योग करें, कहां से कहां तक सम करें, तब हमको बताना पड़ेगा भाई यहां से यहां तक करिए। हमने कहा हमें सम करिए, लिमिट नहीं दी हमने, तो आपने प्लस सी लगा दिया, यानी ये इस सी का मतलब होता है कि आगे भी वैल्यू इसके सम की आ सकती है। इसके दो मतलब इसके निकलते हैं, एक तो इसकी वजह से कांस्टेंट प्लस करते हैं, और हमने जो रीजन बताया वो एक रीजन हो सकता है। तो ये इसका इंटीग्रल का मतलब होता है। अब कुछ इसके फार्मूले समझ लीजिए, बहुत सारे फार्मूले हैं, जितने डिफरेंशिएशन में आपने फार्मूले पढ़े हैं, जितने भी डिफरेंशिएशन में फार्मूले पढ़े हैं उनका उल्टा कर दीजिए तो आपको इंटीग्रल के फार्मूले मिल जाएंगे। डिफरेंशिएशन के फार्मूले जितने हैं उनको उल्टा कर दीजिए। जैसे पहला फार्मूला देखते हैं, मैं डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करता हूं, डिफरेंशिएशन आप करते हो डी बाई डी एक्स, और अगर एक्स को डिफरेंशिएट करते हो तो वन आता है, मैं सब में एक्स प्लस सी नहीं लिख रहा हूं, तो वन को अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आना चाहिए, यानी इसमें अगर मैं इंटीग्रल करूं वन का किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वन का इंटीग्रल क्या आएगा, एक्स, और हमने कहा हर इंटीग्रल में एक कांस्टेंट प्लस करना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन समाकलनीयतांक, ये इंटीग्रल का मतलब समाकलन होता है। दूसरा फार्मूला देखिएगा, अब दूसरा फार्मूला यहां डिफरेंशिएशन बाद में बताते हैं, अगर एक्स पावर एन को एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो तो होता है एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस कांस्टेंट। तो अगर मैं इसका डी बाई डी एक्स करता हूं, किसका, एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस कांस्टेंट, लिख दो प्लस सी, इसका डी बाई डी एक्स करता हूं तो वैल्यू क्या आती है, एक्स पावर एन, इसी से कोई मतलब फिलहाल है नहीं यहां पर। तीसरा फार्मूला देखिए, ई टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स, मैं प्लस सी नहीं लिख रहा हूं, अच्छा लिख दो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका डिफरेंशिएशन होता है ई टू पावर एक्स, तो हमने कहा ये बताओ
ई टू पावर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल क्या होता है, तो आप कहेंगे ई टू पावर एक्स प्लस सी, यही तो होता है ना, ये फॉर्मूले मिल रहे हैं, याद ये करना है आपको। लेकिन जैसे ही कोई फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट से आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि ये जो इंटीग्रल हम कर रहे हैं ये किस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है, कहां से ये होकर के आया है। ठीक है, चौथा फार्मूला, अगर आप, मैं प्लस सी कहीं अब नहीं लिखूंगा, अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं ए टू पावर एक्स, प्लस सी अंडरस्टूड है उसके अंदर आएगा, यहां सब में प्लस सी करना है, तो आपने पढ़ा है ए टू पावर एक्स लॉग ए टू बेस ई, ये डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना। अब मैं इस ए टू पावर एक्स को इंटीग्रेट करना चाहता हूं, तो इस लॉग ए टू बेस ई को यहां से गायब करो, इसको हटाओ यहां से, तो ये कहां पर आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, लॉग ए टू बेस ई इसके नीचे आएगा, नहीं आएगा, यही तो आएगा ना। तो अब अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं हम, किसको, ए टू पावर एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में, क्या आएगा, ए टू पावर एक्स अपान लॉग ए टू बेस ई, साफ साफ दिख रहा है, डिफरेंशिएशन का उल्टा, समाकलन अवकलन का उल्टा होता है। पांचवा फार्मूला, अब जरा समझिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू बेस ई का होता है वन अपान एक्स, तो अगर वन अपान एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, वन अपान एक्स को इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, आएगा लॉग एक्स टू बेस ई, प्लस सी तो रहेगा ही सब में, बिना प्लस सी के आंसर अधूरा है, क्योंकि यहां प्लस सी हम लिख नहीं रहे हैं, वो अंडरस्टूड है। छठा फार्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू बेस ए होता है वन अपान एक्स लॉग ई टू बेस ए, तो इसका तो यही आ जाएगा, वन बाई एक्स का इससे कोई मतलब नहीं है, तो लॉग का कोई भी, अच्छा समझिएगा, क्या किसी डिफरेंशिएशन में आपने कोई ऐसा फार्मूला पढ़ा है, कोई ऐसा फार्मूला जिसको डिफरेंशिएट किया हो और लॉग मिला हो, नहीं, लॉग को किया डिफरेंशिएट, किसी को डिफरेंशिएट किया हो और लॉग एक्स मिला हो, नहीं पढ़ा आपने, इसका मतलब लॉग एक्स का इंटीग्रल नहीं होता, क्यों, क्योंकि लॉग एक्स किसी फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया, कोई फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट किया, आपको कभी भी लॉग एक्स नहीं आया होगा, इसलिए लॉग एक्स का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता, जो किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता उसका इंटीग्रल नहीं होता, यह ध्यान रखिएगा। तो ये पांच छह फार्मूले तो एलजेब्रा के हैं, ठीक है, अब जरा ट्रिग्नोमेट्री के छह फार्मूले ले लो, अभी वो फॉर्मूले बताए जा रहे हैं जिनका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है, ठीक है, जो डिफरेंशिएशन किसी और तरीके से चेन रूल लगा करके आए हैं वो अभी यहां नहीं बताए जा रहे हैं। देखिए अगला फार्मूला, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, थोड़ा इसको नीचे लिखिएगा, ऊपर बोर्ड चमक रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, जब मैं साइन एक्स को डिफरेंशिएट करता हूं तो रिजल्ट क्या आता है, कॉज एक्स, तो अगर मैं कॉज एक्स को इंटीग्रेट करूं तो साइन एक्स आएगा, तो अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं कॉज एक्स को किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, साइन एक्स आएगा और प्लस सी होगा, क्योंकि यहां का सी हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अगला है, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ आप कॉज एक्स करते हैं तो कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, भाई इसको ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि इसके फार्मूले आप डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, कितना आएगा, माइनस कॉज एक्स आएगा, प्लस सी आएगा। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स करते हैं तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर आप इंटीग्रल करते हैं सेक स्क्वायर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, टेन एक्स प्लस सी। अब जरा समझिएगा, पहले आप देख लीजिए, बाद में बात करते हैं। इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो अगर इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रल किसका कर रहे हैं हम, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स, तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, सेक एक्स प्लस सी। इसके बाद हमने पढ़ा कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स कर दें तो कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स,
तो अगर हम इंटीग्रल करते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स का, तो इसका आएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसी प्रकार से अगर हम डी बाय डी एक्स कर दें कॉसेक एक्स का, तो इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो अगर इंटीग्रल हम कर दें कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, तो इसका होगा माइनस कॉट माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। एक सेकेंड, तो ये आपका छह फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के हैं। जरा एक चीज ध्यान से समझिएगा, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि भाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन लिखा आपने, कॉज एक्स का लिखा, टेन एक्स का नहीं लिखा आपने, कॉट एक्स का नहीं लिखा आपने। भाई टेन एक्स किसी फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता। हमने कोई ऐसा फार्मूला नहीं पढ़ा कि जहां किसी फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट किया हो और इसका रिजल्ट टेन एक्स आ गया हो, डायरेक्ट नहीं पढ़ा हमने। हाँ पढ़ा है हमने, लॉग साइन एक्स का पढ़ा है, लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन टेन एक्स होता है, लेकिन अभी डायरेक्ट फॉर्मूले बताए जा रहे हैं इसलिए वहां पर ये चीज नहीं आएगी। ठीक है, जब हम आगे एक प्रोसेस चेंज करेंगे तब ये आएगा वहां पर। तो ये छह ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गए। अब छह इनवर्स फंक्शन होंगे, उनका देखिए कैसे किया जाएगा। इसमें छह इनवर्स फंक्शन समझिएगा, देखिए डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। एक सेकेंड जरा थोड़ा इसको खाना खिला दें। डिफरेंशिएशन आपका क्लियर होना चाहिए, बिना डिफरेंशिएशन के आप ये क्वेश्चन नहीं लगा सकते। देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसका इंटीग्रल करता हूं, किसका इंटीग्रल, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी रहेगा, वो तो मालूम है। इसी प्रकार से अगर मैं डी बाय डी एक्स करता हूं कॉज इनवर्स एक्स, तो होता माइनस वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसका फिर इंटीग्रल करता हूं, डिफरेंस इंटीग्रल करता हूं, तो यह आएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यानी कि इसका इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स भी हो सकता है और माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी हो सकता है, क्योंकि डिफरेंसिएशन लगभग सेम होते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा डी बाय डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, इसका होता है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर को मैं इंटीग्रेट करता हूं, तो क्या आएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी प्लस सी। उसी प्रकार से अगर मैं डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स करता हूं, तो इसका माइनस में आता है ये वैल्यू। अगर मैं इसी को इंटीग्रेट कर दूं तो यही रिजल्ट आएगा, लेकिन माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो सकता है। मतलब वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो टेन इनवर्स एक्स भी हो सकता है और माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी हो सकता है। इसी प्रकार से डी बाय डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स होता है वन अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और डी बाय डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स होता है माइनस वन अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो अगर इस फंक्शन को मैं इंटीग्रेट कर दूं वन अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, तो ये आपका माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो सकता है या ये सेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो सकता है। तो ये आपके छह एलजेब्रा के फार्मूले, पांच छह, और छह ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले और छह इनवर्स के फार्मूले, ये जनरल 18 फार्मूले हैं। ठीक है, लगभग लगभग 18 है। अच्छा एक चीज और,
जो हमने फॉर्मूले बताए वो एज इट इज जब होंगे तब उन्हें अप्लाई किया जाएगा। ये नहीं होगा कुछ भी हो जाए साइन स्क्वायर एक्स से चलेगा, कॉज स्क्वायर एक्स से चलेगा, जी नहीं। जैसे आप डिफ्रेंसिएशन पढ़ते थे तो वहां पर साइन एक्स है तो साइन एक्स का कर देते थे, साइन स्क्वायर एक्स है तो उसका भी हो जाता था, साइन एक्स स्क्वायर है उसका भी हो जाता था। यहां ऐसा नहीं होता है। इंटीग्रल एज इट इज जितने फॉर्मूले बताए गए जैसे होंगे वैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे तब होगा, अगर कुछ और होगा तो उसका प्रोसेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसमें। अगर यहां पर प्रोडक्ट रूल फिलहाल अभी अप्लाई नहीं किया जाएगा, यहां पर डिवीजन रूल नहीं होता है, भाग का नियम नहीं होता है, जैसे वहां पर होता था ना हर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अंश, ऐसा यहां नहीं होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं होता है, मल्टीप्लाई रूल होता है वो आगे पढ़ाया जाएगा। अब जरा कुछ एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे मुझसे कहा गया, जरा बहुत ध्यान समझिएगा, जैसे मुझसे कहा गया वन अपान एक्स स्क्वायर डीएक्स, वन अपान एक्स स्क्वायर को या तो साइन लगा के वो दे देंगे या कहेंगे फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या आपसे कहेंगे फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ वन अपान एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या आपसे कहेंगे फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ वन अपान एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी वन अपान एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष समाकलन करिए, वन अपान एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष प्रति अवकलज निकालिए। ठीक है, तो आप ये साइन लगाएंगे बाद में, तो जब भी अपान में आएगा तो मेरे पास फार्मूला कौन सा है, एक्स पावर एन का हमारे पास डिफरेंशिएशन है, एक्स पावर एन प्लस वन इंटीग्रेशन है, सॉरी अपान एन प्लस वन प्लस सी, अपान का नहीं है हमारे पास, तो इसको ऊपर ले जाओ एक्स पावर माइनस टू डी एक्स कर दो और ये वाला फार्मूला अब अप्लाई कर दो तो क्या होगा, एक्स पावर माइनस टू प्लस वन अपान माइनस टू प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट, तो एक्स पावर माइनस वन अपान माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट, ये माइनस वन अपान एक्स हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट, ये आंसर आएगा। यानी अगर ऊपर एक्स माने यही क्वेश्चन ऐसे होता इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो मैं लिखता एक्स पावर टू प्लस वन अपान टू प्लस वन प्लस सी, यानी एक्स पावर थ्री अपान थ्री प्लस सी, चलिए चलेगा। लेकिन यहां पर अगर अपान में है तो ऊपर ले जाना पड़ेगा, लेकिन एक जगह आप गलती करेंगे उसे ध्यान से समझ लें, पहले वो जो गलती होने वाली है वो जरा समझ लें। हमने कहा अपान में अगर एक्स है, एक्स ही होना चाहिए, वो एक्स प्लस फाइव रूट में वो नहीं चलेगा, वो मेथड चेंज हो जाएगा। देखिए जैसे वन अपान एक्स केवल है तब क्या करेंगे, तब आप इसको ऊपर ले जाने की गलती मत करिएगा। आपने कहा गलती कर ही दी हमने, कर दीजिए गलती, मैं गलती कर देता हूं, एक्स पावर माइनस वन डी एक्स फार्मूला ये वाला अप्लाई करता हूं, एन यहां पर क्या है माइनस वन, तो क्या आएगा एक्स पावर माइनस वन प्लस वन अपान माइनस वन प्लस वन, तो एक्स पावर जीरो अपान जीरो वन अपान जीरो, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, समथिंग अपान जीरो इन्फिनिटी होता है, गलती पकड़ में आ गई। अब यहां भी गलती आपने कर दिया, यहां टू लिख दिया गलती से, तो फिर गलती पे गलती करोगे तो आंसर आ ही जाएगा और नंबर जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे सर गलती क्या यहां पर हो रही है, अरे भाई वन अपान एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो आप कहेंगे वन अपान एक्स जो है वो लॉग एक्स टू बेस ई का होता है, तो इसका लॉग एक्स टू बेस ई प्लस सी लिखा होगा। ठीक है, एक जरा लॉग के बारे में हम आपको बात बता दें। देखिए जनरल जो हमने लॉग पढ़ा है उसमें जब लॉग लिखते हैं, जैसे लॉग फाइव की वैल्यू चाहिए तो ये बेस यहां हमेशा टेन होता है, लेकिन कैलकुलस में जब हम लॉग पढ़ते हैं और अगर बेस नहीं होगा तो बेस हमेशा ई लिखा जाएगा, अगर बेस नहीं होगा तो, अगर बेस ई है तो सो फार सो गुड, अच्छी बात है, वो तो कोई बात ही नहीं। अच्छा कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन करता है, कैसे, अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाएं अपना तो वहां आप देखेंगे एक जगह तो वहां लिखा होगा एलओजी और एक जगह लिखा होगा एलएन, दो चीजें लिखी होंगी। ये जो एलओजी वहां लिखा हुआ है वो बेस 10 पे होता है और ये नेचुरल लॉगरिथम है, ये लॉग बेस ई पे होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी क्या होता है ये लॉग नहीं देंगे आपको, वो जानते हैं बेस ई लिखोगे, उन्होंने कहा एलएन एक्स ऐसा बोल दिया, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कभी कभी होता है कंपटीशन के केस में अक्सर होता है, वो जानबूझ के लॉग बेस ई नहीं लिखते हैं, वो एल एन एक्स लिखते हैं, तो एल एन का मतलब होता है नेचुरल लॉगरिथम, तो यहां पर आप इसको लॉग बेस ई मान के ही चलेंगे। ठीक है, तो
तो ये वन अपान एक्स पे ऊपर ले जाने की गलती मत करना, यहां गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं। कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज पे हम आएंगे, अभी ये एक्सरसाइज नहीं है, मैं एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूं, फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जैसे हमने कहा इंटीग्रल करो साइन एक्स प्लस फोर का, तो जब भी प्लस में कोई फंक्शन होगा, या हमने कहा यही कर लीजिए, जब भी प्लस में अलग अलग फंक्शन होगा तो इसको अलग अलग कर दीजिए, मतलब साइन एक्स डीएक्स अलग कर दीजिए और फोर का इंटीग्रल अलग कर दीजिए। तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, अभी हम पढ़ चुके हैं माइनस कॉज एक्स। फोर का क्या होता है, जल्दबाजी में आप ये कहेंगे कि फोर का जीरो होता है क्योंकि फोर एक कॉन्स्टेंट है। तो इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन में थोड़ा अंतर है, अवकलन और समाकलन में समाकलन हो रहा है। आप पढ़ चुके हैं कि जब मैं अच्छा फोर को अगर मैं बाहर कर देता हूं तो अंदर वन बचेगा, और किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर वन आता है, तो आप कहेंगे एक्स को डिफरेंशिएट करने पर वन आता है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, फोर एक्स। अब आप प्लस सी नहीं लिखते हैं तो आपका आंसर गलत है, आप प्लस सी लिखेंगे, ये लिखना जरूरी है। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में ये हमेशा एक फंक्शन है, ये कांस्टेंट उसी फंक्शन की फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, जैसे मैं आपसे कहूं कि y बराबर 3x प्लस 4, ये एक स्ट्रेट लाइन है, y बराबर 3x प्लस 5 y बराबर 3x माइनस 4, ये वही फैमिली ऑफ लाइन है, बस अंतर ये है उसका स्लोप 3 है, ये भी 3 रहेगा, ये ओरिजिन से पास हो रही है, ये वाई एक्स पर 4 अंतःकरण कट कर रही है, ये वाई एक्स पर 5 अंतःकरण कट कर रही है, ये वाई एक्स पर -4 कर रही है, ठीक है। तो ये फैमिली एक ही होती, उसी लाइन की फैमिली है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 आएगा। 3 का मतलब जिसका स्लोप 3 हो, तो स्लोप 3 वाली बहुत सारी लाइनें हो सकती हैं भाई। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, किसी लाइन के टेंजेंट का स्लोप, किसी टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। तो कांस्टेंट अगर प्लस नहीं करते हैं तो ये गलत है, आंसर गलत है, क्वेश्चन सही है लेकिन आंसर गलत माना जाएगा, ठीक है। तो इसके नंबर काट लिए जाते हैं, इसलिए इसको गलती मत करिएगा। तो अगर प्लस में ऐसा कोई फंक्शन है तो आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। अब मान लिया यहां लिखा है 4x² + 7x + 8 sin x dx, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो ये जो 4 है ना, ये क्या है, आप कहेंगे कांस्टेंट, नहीं, अकेला होता है तो कांस्टेंट, किसी के साथ है तो कोफिशियंट, अकेला है तो नियतांक, किसी के साथ है तो गुणांक। तो 4 बाहर कर दो और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, इसमें 7 बाहर कर दो, एक्स का इंटीग्रेट कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, इसमें 8 बाहर कर दो, साइन एक्स का इंटीग्रेट कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में। इंटीग्रल करने के बाद प्लस सी करिएगा, यहां भी कर सकते हो लेकिन जब फाइनल इंटीग्रल हो जाए तब आप प्लस सी करिएगा। 4 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स पावर 3/3 प्लस 7 एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। फॉर्मूला यहां समझ में आ रहा होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स पावर n+1/n+1। 8 साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉज एक्स। अच्छा देखिए, जैसे आपने यहां प्लस लगा दिया और साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉज एक्स होता है, तो हमने देखा अक्सर ये चिक 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 ऐसे ऐसे कर देते हैं उसमें, तो ये गिनापन मत करिएगा। यहां पर प्लस लगा दिया है तो इसको डिस्टर्ब मत करिएगा, इस प्लस को लगा रहने दीजिए और यहां ब्रैकेट में माइनस कर दो, अगले स्टेप में ये माइनस हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटीग्रल का। इंटीग्रल का मतलब होता है जिस फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है वो फंक्शन कौन सा है, तो हम उसको उल्टा कर देते हैं, एंटी डेरिवेटिव कर देते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके एनसीईआरटी पहले एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।